ठंड के मारे कुल्फी जमी हुई है। कैसे हो? मजे में? बड़ा सिंपल टॉपिक है और मैं आपको ये वाला टॉपिक बड़ी इजीली खत्म करा दूंगी। महा सिंपल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से दो नहीं तो तीन एमसीक्यूज आएंगे। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो ये बता दो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई चल कैसे रही है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो या सारा दिन रजाई ओढ़कर सिर्फ सोने की तैयारियां चल रही है आजकल? क्या चल रहा है बताओ लाइफ में? कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो मेरे बच्चों, कल टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, कल तुम्हारा टेस्ट है। अच्छा गाइस, दो गुड न्यूज है। आज हम वो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं 4 महीने वाली। आज तो पक्का होगी 9 बजे स्ट्रैटेजी 4 महीने वाली, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और कल ना मैं एक स्पेशल इवेंट लेकर आई हूं सिर्फ बायो के लिए। यहां तो ठंड ने सबके बैंड बजाए हुए हैं। यस, रेडी? और कल ना एक स्पेशल इवेंट है सिर्फ बायो के लिए, वो रात के 9 बजे लूंगी मैं। सिर्फ 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 ओनली एंड ओनली बायो में कैसे 340-350 स्कोर करने। कितने बच्चे उनका स्कोर अटका पड़ा है, 300 पार नहीं हो रहा बायो में भी। है प्रॉब्लम ना, मुझे पता है, क्योंकि तुम लोग डीएम कर करके मेरा सर चाट चुके हो। यस एवरीबॉडी, दिल्ली में बहुत ठंड है, भारतीय इधर भी बहुत ठंड है। बच्चों बच के रहो, कवर होकर बैठा करो पढ़ाई करने, राइट? अच्छा बताओ आज आवाज ठीक है श्रुति? इज द वॉइस क्लियर एवरीवन? एक बार यस मैम कर दो जल्दी से। रिद्धि जी हार्ट बना दो, रिद्धि के हार्ट पे बिलीव करेंगे आज हम। यस एवरीवन, यस श्रवणी राणे परफेक्ट है, ठीक है, डन डन डन। अच्छा इससे पहले कि मैं चैप्टर खत्म कराऊं, आज की क्लास सिर्फ 45 मिनट्स में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये आज आ रहा है 9 बजे लाइव इन 112 मिनट्स, दिख गया ये? और ये कल आ रहा है, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनवरी टू अप्रैल बायो कैसे करनी है, बायो में बॉटनी कब करनी है, बायो कैसे कैसे करनी है ताकि हमारा स्कोर जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत सिंपल टॉपिक है। आज के टॉपिक में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोगों को प्रॉब्लम कॉज करेगा। डन एवरीवन? चलिए तो बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे आते हैं। बस आज के टॉपिक में आपने एक चीज याद रखनी है। बोलोगे मैम कौन सी चीज याद रखनी है? इस चैप्टर में ना कुछ नंबर्स हैं, पहले ही बता देती हूँ, मार्क करवाऊंगी, एक एक चीज समझाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी, डेप्थ में पढ़ाऊंगी, सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। आज की क्लास में ना कुछ नंबर्स हैं, इतनी स्पीशीज, इतना ये, जहां जहां पे, जैसे यहां पे मैंने मार्क नहीं किया हुआ तो आपको दिख रहा है यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे चल के कुछ कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं, वही क्वेश्चन में आते हैं एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी के बाहर से तो एक वर्ड भी क्वेश्चन में नहीं आता। Done everyone? Is that clear? Sorted है? चले फिर, right? तो अगर कोई alien भी, अगर कोई बाहर जादू शादू भी इंडिया में आ जाए ना दोबारा, सबको पता है जादू, yes, अगर जादू भी दोबारा इंडिया में मतलब वापस आ जाए तो यार उसको इतनी अमेजमेंट होगी, बैफल हो जाएगा। सबसे पहले तो ऋतिक रोशन को देगा, भाई कैसा है तू करेगा उसके साथ, और उसके बाद बहुत अमेजमेंट होगी बिकॉज द अमाउंट ऑफ वेराइटी दैट is there on earth, we are not seeing this kind of variety anywhere. Why are there so many species? Because evolution has been going on for billions of years. So kyunki itne saalon se evolution hua hai, that is the reason hame itni diversity dekhne ko milti hai. And how and why is this diversity important to biosphere? Kyunki bachcho is baat ko yaad rakho jitni zyada. Acha aap batao chalo tum log se poochte hain. तियाशा तुम बताओ, आयुषी उत्कर्ष ओम, इन चारों बच्चों से पूछा है, ओम उत्कर्ष आयुषी तियाशा, ये मैं मंथन वाले बच्चे आंसर नहीं करेंगे, उनको पता है, देखते हैं बाकी बच्चों, ये डाइवर्सिटी इतनी, अरे वाह रमन, वेरी गुड रमन, वेरी गुड रमन की मम्मी को बताया जाए कि रमन को आज स्पेशली गाजर का हलवा बना के खिलाया जाए, बिकॉज देखो बेटा जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे उतनी ज्यादा इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा। देखो बेटा सत्यम, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है बच्चों? इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी का मतलब है कि हम उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, मैं हमेशा कहती हूं एनसीईआरटी के इन्हीं क्वेश्चंस पे से क्वेश्चंस आते हैं। तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और सबसे ज्यादा ये स्टेबिलिटी कहां पे होती है कौन बच्चा बताएगा? सबसे ज्यादा अगर मैं अर्थ को पूरा मैप आपको दिखा दूं तो सबसे ज्यादा ये स्टेबिलिटी कहां पाई जाती है? सबसे ज्यादा ये स्टेबिलिटी पाई जाती है इक्वेटर पे।
ट्रॉपिक्स पे, बिल्कुल सही बोला, इक्वेटर पे। फॉरेस्ट का मतलब है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ना कि टेम्परेट फॉरेस्ट, राइट। नाउ बायोडायवर्सिटी होती है अलग अलग तरह के प्राणी जीव जंतु देखना, हेटेरोजीनस है, भले ही अलग, कहीं चूहा, हाथी, घोड़ा, नीलगाय, शेर, चीता, पेड़ पौधे, कीटाणु, मगरमच्छ, सब कुछ, पर इसके बाद जो डाइवर्सिटी है वो अलग अलग लेवल्स पे देखी जाती है। अब जो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगी, उन तीनों चीजों में से एक गारंटी एमसीक्यू क्वेश्चन है, गारंटी। एंड गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप हार्ट जरूर बनाएं, हार्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर दैट यू लाइक बच्चों। एक टीचर को भी एनर्जी की जरूरत होती है, एक टीचर को भी फील आना चाहिए दैट बच्चे सुन रहे हैं, बच्चे क्लास में देख रहे हैं, बच्चे फील कर पा रहे हैं। सो प्लीज इंश्योर कि आप क्लास में जब आओ, प्लीज मेक वन लाइक गाइज, राइट। टीचर है सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेता है, व्हाई? सो दैट यू नो टीचर ऑल्सो नीड्स टू फील लाइक अ फैमिली, नीड्स टू फील, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप क्लास में आते हो, आपको ऑटोमेटिकली लगना चाहिए जैसे आपको कैसे, आप गुड मॉर्निंग मुझे कैसे, जैसे बच्चा क्लास में एंटर करता है, ऑफलाइन सेटअप होता है तो क्या बोलता है बच्चा, गुड मॉर्निंग मैम, कहता है ना, कैसे हो मैम आप, राइट। अपना टिफिन खोलता है तो मैम को भी देता है, मैम टिफिन आज मम्मी ने बनाया। सो दैट इज द काइंड ऑफ अफेक्शन यू नीड टू शो ऑन एन ऑफलाइन ऑनलाइन सेटअप ऑल्सो। यस, दैट्स द ओनली थिंग विच आई से कि यार टीचर को कैसे फील होगा यार ये बच्चे है क्लास में आए हैं, राइट। दैट्स लाइक योर अटेंडेंस, दैट्स लाइक द लव दैट यू शो टू योर टीचर। सो प्लीज इंश्योर कि आप सब एक बार जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, कहां पर हो शेयर करो बच्चों, सो दैट जिस भी बच्चे के पास फैसिलिटी नहीं है पढ़ाई की वो जरूर बायोटॉनिक पे आकर पढ़ सके। यहां से गारंटी एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखी जाती है। देखो डाइवर्सिटी क्या है, अगर आपने कभी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, बाई चांस किया है, तो आपने देखा होगा कि मेरा एक अकाउंट है स्टडीग्राम। स्टडीग्राम पे मैं डेली एमसीक्यूज दे रही हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी। देखिए कितने बच्चे वहां एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उत्कर्ष को तो मैंने देखा है शाम, कितने बच्चे सत्यम वहां पे डेली स्टडीग्राम पे। फिर मेरा एक और अकाउंट है, उसको कहते हैं वानीज मैजिकल गार्डन, उसमें मैं फोटोज शेयर करती हूँ, पेड़ पौधों की पोएम्स लिखती हूँ, राइट। फिर एक अकाउंट है ऑब्वियसली वानी सूद फॉर वेदांत, उसके अंदर मैं बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, बच्चों से एएमए लेती हूँ, बच्चों से बातें करती हूँ, लाइव सेशन लेती हूँ। तो कैन यू सी डाइवर्सिटी, राइट। मैजिकल गार्डन में मैं एम में नहीं डालती हूँ इस टाइप के, मैजिकल वर्ल्ड में मैं सिर्फ पेड़ पौधों, जीव जंतु, इन सब की चीजें डालती हूँ। स्टडी स्पेस में मैं, राइट, स्टडी स्पेस में वाणी में मैं एमसीक्यूज डालती हूँ, पर जो खुद का पर्सनल अकाउंट है उसमें बच्चों की सारी होलिस्टिक मेंटल हेल्थ की, पेरेंट्स की, इधर उधर की सारी मेंटल हेल्थ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ, राइट एवरीबॉडी। सो कैन यू सी, सो सिमिलरली इकोसिस्टम में भी हमें बहुत अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी दिखाई देती है। जरूरी नहीं है कि एक चीज की एक ही टाइप हो, हमें अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी नजर आती है। क्या आपको पता है इस बारे में, राइट। तो ये डाइवर्सिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी है जेनेटिक डाइवर्सिटी। डेफिनेटली इसके ऊपर एमसीक्यू आएगा, प्लीज इसे याद रखिए। क्या आपको पता है इंडिया में आम होता है, आम सबको पता है, यस, 50,000 टाइप के राइस होते हैं, इसीलिए अमेरिकन चोर आए इंडिया में और इंडिया का राइस चुरा कर बाहर ले गए, उसको टैक्स मती बना दिया। 50,000 वैरायटीज के राइस, एक ही राइस है, मतलब राइस तो एक ही स्पीशीज है ना, पर उसकी अलग 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 स्ट्रेन्स हैं, टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रेन्स, राइट। क्या आपको पता है इंडिया में तोता परी एक आम होता है, राइट। फिर आपको पता है आपूस एक और आम होता है, आम के कम से कम 1,000 वैरायटी, लंगड़ा एक आम होता है, 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो देखे जाते हैं। दिस इज नथिंग बट जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या आपको पता है रोवल्फिया वोमिटोरिया, रोवल्फिया सर्पेंटाइना, जिसको सर्पगंधा, अश्वगंधा, ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये पहाड़ों पे उगता है। कहां के पहाड़ों पे उगता है, हिमालय के। तो ये जैसे आप नीचे के हिमालय से अगर लोगे तो इसकी पोटेंसी, इसके काम करने की क्षमता कम होगी, जैसे जैसे आप पहाड़ के ऊपर जाओगे और आप ज्यादा हाइट से इस पौधे को लोगे, इसके काम करने की क्षमता, राइट, इसके अंदर रेसरपिन जो केमिकल देखा जाता है, उसकी पोटेंसी हाइट पे ज्यादा अच्छी मिलेगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, राइट, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी।
तो जेनेटिकली डिफरेंट राइस है यहाँ पे, छोटा 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 जीन्स का चेंज है, मैंगो का चेंज है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। बेटा आपको बताइए, इंडिया का पेनिनसुला रीजन है ये इंडिया का, यहां की तरफ क्या है, यहां की तरफ महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है, यहां तमिलनाडु है, ओडिशा है, राइट। इनको कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, इनको कहते हैं अरेबियन सी वालों को वेस्टर्न घाट्स, बे ऑफ बंगाल को कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। क्या आपको पता है कि जब आता है साउथ वेस्टर्न मॉनसून तो वेस्टर्न घाट में ज्यादा बारिश होती है, पता है आपको, वेस्टर्न घाट में हमेशा ज्यादा बारिश होती है। अगर मैंगलोर से कोई है, उडुपी से कोई है, तो उसको पता होना चाहिए वेस्टर्न घाट्स में यस ज्यादा। तो जो डायवर्सिटी एम्फीबियंस की आपको वेस्टर्न घाट में दिखती है, वो डायवर्सिटी आपको ईस्टर्न घाट में दिखाई नहीं देती है। वेस्टर्न घाट्स के पास ज्यादा एम्फीबियन डायवर्सिटी, ये सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। अगर आपको मैं इकोसिस्टम डायवर्सिटी बताऊं, आपको सेवन सिस्टर्स के बारे में पता, आपको पता आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, यस त्रिपुरा है, आपको पता है सिक्किम भी उस साइड पे है, तो आपको पता है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, नागालैंड है, ये जो नॉर्थ, यहां पर रेन फॉरेस्ट्स में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। पर अगर आप इंडिया को ही देखो बेटा, इंडिया में अगर आप ऊपर देखो, कश्मीर देखो, लेह लद्दाख देखो, श्रीनगर देखो, हिमाचल देखो, तो आपको वहां एल्पाइन एरियाज नजर आएंगे। कौन से एरिया नजर आएगा आपको ऊपर? एल्पाइन मेडोज, लेह लद्दाख, राइट एवरीबडी, आपको जंस्कार वैली, कश्मीर, श्रीनगर, आपको एल्पाइन एरिया नजर आएगा। अगर आप राजस्थान के पास जाओगे, सूरतगढ़ के पास जाओगे, आपको डेजर्ट नजर आएगी, थार डेजर्ट। अगर आप आसाम जाओगे, मेघालय जाओगे, मणिपुर जाओगे, नागालैंड जाओगे, त्रिपुरा जाओगे, आपको रेन फॉरेस्ट नजर आएंगे। अगर आप सुंदरबन एरिया में जाओगे, केरला में जाओगे, आपको मैंग्रोव्स नजर आएंगे। अगर आप अंडमान निकोबार जाओगे, आपको कोरल, लक्षद्वीप जाओगे, आपको कोरल रीफ्स नजर आएंगे। अगर फिर से आप सुंदरबन वाले एरिया में चले गए, राइट, आपको वेटलैंड्स नजर आएंगी। आप चिल्का लेक में चले गए, आपको वेटलैंड्स नजर आएंगी। एस्टुरीज, केरला में चले गए, बैकवाटर्स। तो इंडिया इटसेल्फ में कितनी वैरायटी है। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन होती है? फिनलैंड, यस, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यूके, बस बर्फ पड़ी रहती है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी वैरायटी आपको नजर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? थैंक यू ज़ेबो, इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ आ गया मेरे बच्चों को? कितने बच्चों को समझ में आया? यो मैम लिख दो कि कितनी ज्यादा इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। अगर मैं IUCN 2004 की लिस्ट देखूं, 1.5 million, ये बहुत, अब जो मैंने आपको इस चैप्टर में शुरू में ही बोल दिया कि अगले 30 मिनट्स में ये चैप्टर में खत्म करा दूंगी, सिर्फ 30 मिनट्स आपको बैठना है, 30 मिनट्स में ये पूरा चैप्टर में खत्म करा दूंगी। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, नीट में क्वेश्चन आएंगे, दो या तीन क्वेश्चन, बट मैंने आपको पहले बोलता जो आपके ये फैक्ट्स और फिगर्स हैं, आपको इनको याद करना है, इन वैल्यूज को आपको याद करना है, राइट। टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज जो अभी तक डिस्क्राइब की गई है वो लगभग 1.5 मिलियन है, ऐसा IUCN ने बोला कि जितनी प्लांट और मिलियन, राइट। पर हमें अभी तक क्लियरली नहीं पता कि कितनी ज्यादा अभी भी येट टू बी डिस्कवर्ड है, अभी तक जो हो चुकी है वो लगभग 1.5 मिलियन है, याद रहेगा, यस, राइट एवरीबडी। नाउ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमने ज्यादा डिस्कवरी टेम्परेट रीजन में की। कोई बच्चा बता सकता है क्यों? बेटा टेम्परेट रीजन में ना इतना कुछ है नहीं देखने को, टेम्परेट रीजन जो होते हैं ना उसमें इतना कुछ देखने के लिए है नहीं। ट्रॉपिकल रीजन बहुत बड़े होते हैं, उनमें देखने को बड़ा कुछ होता है, राइट, बहुत अलग अलग तरह के कीड़े मकौड़े जीव जंतु है, पर टेम्परेट रीजन में इतना ज्यादा नहीं है। इसीलिए अगर कभी एसर्शन रीजन आ गया कि ज्यादा कहां ढूंढ सकते हैं, बताओ, अभी भी अनछुए एरियाज कहां है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट में, ब्राजील में, पेरू में, प्योर्टो डी रिको में, कैरेबियन आइलैंड्स में, वहां पर ज्यादा ढूंढने का है। ट्रॉपिक्स अभी तक हमें पता नहीं है, इनमें हमें ज्यादा स्पीशीज मिलने के चांस है, राइट एवरीबडी। कई एक्सट्रीम साइंटिस्ट ने कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 20 to 50 million टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है, पर ये बहुत ज्यादा है। रॉबर्ट मी ने बोला कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी लगभग 7 मिलियन के आसपास है, मैंने आपको पहले ही बोला है,
प्लीज बच्चों सारी वैल्यूज को याद करिएगा, जो भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ सारी वैल्यूज को याद कीजिएगा, इन पे एमसीक्यूज आने के चांस बहुत ज्यादा है। आप सब याद रखोगे इन सब चीजों को, बहुत ज्यादा एमसीक्यू आने के चांस है, पूरी वैल्यूज को प्लीज याद रखिएगा। चले आगे बच्चों, कैन यू मूव फॉरवर्ड एवरीबडी, डन, चलिए राइट एवरीबडी। मालाबार प्रोवन, बिल्कुल करण जी, वारे करण तुझे याद है मेरा एग्जाम्पल, वाह गुड। नाउ मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज जो पूरी दुनिया में पाई गई है उनमें एनिमल्स है, इज दैट क्लियर? एल्गी हो गई, फंगस हो गई, ब्रायोफाइट हो गई, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, दे आर नॉट मोर देन 22%। प्लीज इस पूरे चार्ट को याद रखिएगा, इन दोनों डायग्राम्स को याद रखिएगा, गारंटी क्वेश्चन आएगा, 35 मिनट्स में चैप्टर खत्म होने वाला है। सो प्लीज आप ध्यान दे दीजिए थोड़ा सा, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, जो मार्क करवा रहे हो मार्क कर लीजिए और एग्जैक्टली ऐसे एग्जाम में याद करके जाइएगा। सो 70% क्या है बच्चों, 70% एनिमल्स है। प्लीज सारे बच्चों लिखो इसे, याद करो बच्चों, और लगभग 22% कौन है बच्चों, 22% आपका एल्गी, फंगस, ब्रायो, जिम्नो और एंजियो है। याद रहेगा सबसे ज्यादा एनिमल्स में 70% जो एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स है। एमसीक्यू, तीन एमसीक्यू ऑलरेडी यहां मैंने मार्क कर दिए हैं, इज दैट क्लियर रिद्धि? डन, 70% जो टोटल एनिमल्स है उनमें इंसेक्ट्स हैं, 10 में से 7 इंसेक्ट्स है। जैसे अगर दुनिया में 10 लोगों में से एवरी 5th person दुनिया में इंडियन है, हर 5वां आदमी इंडियन है, लाइन से इंडियन को खड़ा कर दिया ना, भांगड़ा पाना शुरू कर देंगे, तुणु 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 तुणु, बाकी सब लोग देख रहे होंगे क्योंकि एवरी 5th person इज एन इंडियन। तो 10 में से 7वां कौन है, 7 इंसेक्ट्स हैं, इज दैट क्लियर एवरीवन? राइट, एवरी 5th person इज एन इंडियन, हर 5वां बंदा दुनिया में इंडियन है, ये हमारी सुपर पावर है। यस एवरीबडी, काइजाला कर रहे होंगे वहां सब इंडियन में। अब इनवर्टिब्रेट्स को देखिए, ये इंसेक्ट्स है, मैक्सिमम एमसीक्यू, इज इट क्लियर? यहां फंगसेस है, एमसीक्यू मैक्सिमम इन सब में अगर पूछा जाए। अंडरस्टूड एवरीबडी? राइट एवरीबडी। और यहां हाफ से ज्यादा कौन है, लगभग फिशेस वर्टिब्रेट्स में, एमसीक्यू। ये तीनों एमसीक्यूज हैं, आप सारे एमसीक्यू मार्क कर रहे हो मेरे साथ, यो मैम, यस एवरीबडी। फंगस आप सबने मार्क कर दिया, फिशेस प्लीज इनकी लेबलिंग याद रखो, कई बार एग्जामिनर इतने नॉटी होते हैं कि इस टाइप की लेबलिंग वाले क्वेश्चन आपको इजिली दे देते हैं। डन, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एमसीक्यू आता है, ये सारी चीजें जिसमें से एमसीक्यू आता है मैं आपको वो सारी चीजें करवा रही हूं। इंडिया की जो टोटल आपको पता होना चाहिए एरिया है वो सिर्फ 2.54% है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। राइट, पर 8.1% स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है, इतना स्पीशीज रिचनेस है इंडिया में। ये जो अभी आपका पैराग्राफ है इसमें से 4 या 5 आपको वर्ड्स याद रखने हैं, इनमें से डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। इंडिया का एरिया कितना है, 30 मिनट्स की क्लास रह गई है, फुल अटेंशन, 2.4% है सिर्फ लैंड एरिया, ये आपका एक एमसीक्यू है। इस 2.4% में 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, दैट मीन्स इंडिया की स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। सिर्फ 2.5% एरिया है पर लगभग 8% स्पीशीज इंडिया में पाई जाती हैं, समझ रहे हो? यस, हमारा देश दुनिया भर के 12 मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, 12 मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड लगभग 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इंडिया में पाए गए हैं, ट्वाइस एज मेनी एनिमल्स इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं, इज दैट क्लियर एवरीबडी? अगर हम मेल का ग्लोबल एस्टिमेट देखें तो 22% हमने ढूंढ लिए हैं। अंडरस्टूड, इंडिया की डाइवर्सिटी बताती है कि यस मोर देन 100,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड 300,000 दैट मींस 1 लाख प्लांट्स 3 लाख एनिमल स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड, पर मुझे लगता नहीं है इतना ज्यादा नंबर है इसीलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट लाइन में ध्यान दीजिए कि कैसे अभी तक हमने सारी किताबें पढ़ी भी नहीं है पर नेचर की लाइब्रेरी में हमने ऑलरेडी आग लगाना शुरू कर दिया है, दैट मींस हमने सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है। ये जो शुरू के मैंने बोला 2.4%, 8.1%, 12 मेगा डायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये तीनों आपके डायरेक्ट एमसीक्यू इस लाइन से बनेंगे। श्रद्धा, वाओ, यू
फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दैट्स सो अमेजिंग बेटा, मेरा इतना मन है अंडमान निकोबार आइलैंड्स जाने का, लवली। अब आते हैं पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्या आप मेरी कहानी सुनने के लिए तैयार है? एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्या आप सब मेरी कहानी सुनने के लिए तैयार है? यस एवरीवन, मैंने अपने रेगुलर बच्चों को भी सुनाई थी, आप लोगों को भी मैं एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कहानी सुनाना चाहती हूँ, राइट एवरीबॉडी? ठीक है, चलो आ जाओ, अब मेरी कहानी ध्यान से सुनो। तो बहुत पहले क्या हुआ, देखो मैं हिमाचल से हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, तो हिमाचल में जब मैं बचपन में अपने गांव में जाती थी और मैं वहां पर रहती थी, तो ना हिमाचल में रोडोडेंड्रॉन बहुत मिलता है। रोडोडेंड्रॉन करके एक पौधा होता है, वो हिमाचल में बहुत पाया जाता है। क्या कहते हैं उसको? रोडोडेंड्रॉन। उसकी हम लोग चाय भी पीते हैं, लाल रंग की चाय बनती है उसकी, उसको हम रायते में भी यूज करते हैं, फूलों को, रोडोडेंड्रॉन के फूल होते हैं, पर वो पहाड़ों में ही मिलता है। पालमपुर से हूं मैं, राइट, तो वहां पर रोडोडेंड्रॉन मिलता है, वहां पे चाय पत्ती बहुत उगती है, और कुछ ऐसी स्पेशल मॉस होती है, फंगस होती है, गुच्छी करके एक फंगस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पर, यस एस्क्यूलेंटा हमने पढ़ा था ना, वो सिर्फ वहीं पे मिलती है। मैंने दुनिया भर ट्रैवल किया है पर कुछ चीजें मुझे कहीं पर और नहीं मिली है इतनी, राइट। फिर क्या हुआ, आज से 5-6 साल पहले मैं रहने गई कोयम्बटूर से थोड़ी दूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। तो मेरी कहानी ध्यान से सुनो, बड़ी मजेदार कहानी है। हिमाचल देखो कहां है, कहां है हिमाचल प्रदेश, राइट, हाइट्स में यहां, और कहां इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है, यहां कहीं नीचे तमिलनाडु है, मान तो इसे भी नीचे है पर मैं ऐसे बना रही हूं जस्ट फॉर द तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक हिल स्टेशन है हाइट पे, तमिलनाडु नीचे ट्रॉपिकल है, इक्वेटर के पास है, पर तमिलनाडु में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक हिल स्टेशन है जिसको कुन्नूर कहा जाता है, जिसको कॉमनली ऊटी कहते हैं। ऊटी बड़ा फेमस एक हिल स्टेशन है, ऊटी साउथ का। जब मैं ऊटी में रहने गई, कैन यू इमेजिन, मुझे एग्जैक्टली सेम पेड़ पौधे मिले जो मुझे हिमाचल में मिलते थे। कहां हिमाचल, हिमालयस के पास हिमाचल, और कहां ऊटी, तमिलनाडु के पास ट्रॉपिकल, पर ऊटी और हिमाचल में जो मेरा विलेज है उसकी हाइट लगभग सेम थी, मीन सी लेवल होता है, सी से हाइट लगभग सेम थी। कैन यू इमेजिन, समुद्र तल से ऊटी की हाइट और मेरे हिल स्टेशन की हाइट सेम थी, पर मेरा हिल स्टेशन जहां मेरा जन्म हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में है, ऊटी ट्रॉपिक्स के पास तमिलनाडु में, पर हाइट सेम थी, हाइट सेम थी। इसीलिए काफी चीजें, वहां भी रोडोडेंड्रॉन मिलता, वहां भी सेम चाय पत्ती मिलने लगी, वहां भी सेम एस्क्यूलेंटे का पौधा मिलने लगा। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम इक्वेटर से पास हो या दूर हो, पर अगर हम सेम हाइट पे हो तो लगभग हमें एक जैसी बायोडायवर्सिटी नजर आती है। इसे कहा जाता है पैटर्न ऑफ बायोडायवर्सिटी। अगर आप किसी भी रेन फॉरेस्ट में जाओगे, आपने असम के रेन फॉरेस्ट देखे, मेघालय के रेन फॉरेस्ट देखे, मणिपुर के रेन फॉरेस्ट देखे, पर अगर आप कैरिबियन कंट्रीज के, हवाई के, राइट, अगर आप ब्राजील के रेन फॉरेस्ट देखोगे तो हो सकता है वहां पर भी आपको सेम चीजें नजर आई। ऊटी इज नॉट इन कर्नाटका, रोहित प्लीज करेक्ट योर ज्योग्राफी, ऊटी इज इन कुन्नूर from Coimbatore district, it is a part of Tamil Nadu, it's not in Karnataka. Yes Rohit, my geography is very good, I can teach you geography, right, and my history is very good and my bio is very good. Ooty is in Tamil Nadu, it's not in Karnataka, right. You have a Nilgiri biosphere reserve which is a part of 3 states, it's a part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Yes everyone, chaliye. Like you have a Mudumalai National Park which is in Tamil Nadu, and you have the Banarghatta National Park which is in Karnataka, but it is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve. I am well traveled across the country, मैंने बहुत घूमा इंडिया और मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। Yes everybody, Rohit ji, it is very much in Tamil Nadu and not in Karnataka. Okay ji, चलिए, तो आपको बायोडायवर्सिटी के पैटर्न समझ आया। अगर आप थार डेजर्ट के पौधे देखोगे,
तो आपको वैसे पौधे हो सकता है सब सहारन अफ्रीका में मिल जाएं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? अगर आप एक कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो हो सकता है आपको अंडमान निकोबार की जो कोरल रीफ है फ्रीजर, यू माइट बी एबल टू गेट द सेम टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना देयर, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी फॉलो सर्टन पैटर्न्स। व्हाट प्लांट्स यू विल सी इन असम, यू गेट अ लॉट ऑफ टीकवुड इन असम। माइंड यू, द ब्रिटिशर्स ने बहुत मिसयूज किया था इंडिया के रिसोर्सेज का, टीकवुड का बहुत मिसयूज हुआ था, क्योंकि जापान जाने का जो रास्ता था वो पांगसाउ पास से होकर जाता था। असम से जाते थे अरुणाचल, अरुणाचल में था पांगसाउ पास, और उस पांगसाउ पास से वर्ल्ड वॉर नंबर टू पे एलाइड फोर्सेस इंडिया की मदद से जापान पे अटैक करने जाती थी। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन किया था वो भी नॉर्थ ईस्ट में किया था। आप समझ रहे हो, वहां पे टीकवुड बहुत मिलता है। और आपको पता है दुनिया भर में सबसे फेमस टीक कहां की आपको पता है? बर्मा, बर्मीज टीक कहते हैं। बर्मा का बॉर्डर किससे लगता है आपको पता है? मलय आर्किपेलेगो को बर्मा का बॉर्डर किससे लगता है? आसाम, मेघालय, मणिपुर, वो जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, अरुणाचल का एरिया है, वहां से। तो आपको इंडोनेशिया के अंदर काफी फ्लोरा फौना ऐसा मिलेगा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसा हो। इन्हें कहते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूं? समझ आ रहे है? हो सकता है जो इजिप्ट में सब सहारन अफ्रीका का जो फ्लोरा फौना है, इंडो बर्मा रीजन, बिल्कुल उत्कर्ष आप सही कह रहे हो, जो सब सहारन अफ्रीका का रीजन है, सब सहारन अफ्रीका, अफ्रीका में नॉर्थ अफ्रीका जो है जहां पर डेजर्ट है, इजिप्ट में, वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होंगे जो राजस्थान जैसे होंगे अभी। पर राजस्थान तो पहले ग्रीन था, जब सिंधु रिवर सूख गई उसके बाद ये एरिड लैंड में डेवलप हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीवन? समझ आया? यस एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड फ्रीजर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो यू हैव पैटर्न्स, बायोडायवर्सिटी फॉलो सर्टन पैटर्न्स, right? The diversity of plants and animals is a uniform nahi hai. There are certain areas where there is interesting and more patterns, right everybody? सबसे पहला pattern क्या है? सबसे पहला pattern ये है that अगर आप earth ले रहे हो, let's finish the lecture in 25 minutes, everybody full attention in the class. सबसे पहला pattern ये that if you take the earth, maximum biodiversity is seen here. Maximum biodiversity, max. सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी सीन क्लोज टू द इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे पानी बहुत है और क्योंकि इक्वेटर पे क्लाइमेट सेम रहता है। तमिलनाडु से मेरे स्टूडेंट्स हैं, कल मैं उनके साथ वीडियो कॉल कर रही थी, वो लोग स्लीवलेस टी शर्ट में घूम रहे थे और उनको देखकर मुझे बहुत जलन हुई। वेदांतु टी शर्ट, स्वेटर, स्वेटर के नीचे स्वेटर एंड ऊपर जैकेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? वहां पर सेम, और ये जो ट्रॉपिकल के बाद ये जो टेम्परेट रीजन है पोल के पास वाले एरिया, ये यहां पर कोल्ड हॉट, फिर कोल्ड फिर हॉट, एंड यहां पर आइस एज आई, ग्लेशियर बने, ग्लेशियर्स, बिकॉज ऑफ विच डेवलपमेंट और बायोडायवर्सिटी रुक गई। डिड यू अंडरस्टैंड? इट्स अ पफर जैकेट, इमेजिन। ओ माय गॉड, यू आर क्वाइट अ फैशनिस्टा। व्हेन आई वाज इन क्लास 12, आई डिडंट नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड पफर जैकेट इन ऑल। क्वाइट अ फैशनिस्टा। यस, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते, ट्रॉपिक्स जिनका रेंज होता है 23.5, इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5, ये बीच के एरिया में मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी होगी। जैसे जैसे हम पोल्स पे जाएंगे, पोल पे आपको सिर्फ पोलर बेयर और पेंगुइन मिलेगा और सील मिलेगी, ट्रॉपिक पे आपको हजारों चीजें मिलेंगी। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है, कोलंबिया, इंडिया शुड बी, यू शुड बी सो ग्रेटफुल। मैंने अपनी रेगुलर क्लास में तो इतना इस पे बोला कि कैसे हमें ग्रेटफुल होना चाहिए
दैट हमारे देश में इतनी बायोडाइवर्सिटी, कोलंबिया जो इक्वेटर के पास है 1400 बर्ड्स है और न्यूयॉर्क के पास सिर्फ 105 स्पीशीज है क्योंकि न्यूयॉर्क में बर्फ गिरती है, समझ आया? कोलंबिया इज क्लोज टू द इक्वेटर. ग्रीनलैंड में सिर्फ 56 स्पीशीज है, वेरी क्लोज टू द इक्वेटर. इंडिया जो मैक्सिमम ट्रॉपिक्स में है, इंडिया के पास 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है. इक्वाडोर जो ट्रॉपिक्स के पास है 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, दैट मींस जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वैस्कुलर प्लांट्स. एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में कितना ज्यादा है, 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 फिशेज, 1,300 बर्ड्स, 427 एनिमल्स, 427 एम्फीबियंस एंड 378 ऑफ रेप्टाइल्स एंड 1,25,000 से ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स. सो जो भी आपके इक्वेटर के पास है, वी डोंट हैव दैट फोटो हियर, मैं आपको दिखाऊंगी, उसमें वैरायटी ज्यादा है. इक्वेटर के पास कौन सा है, 23.5 नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, समझ आया? दैट इज वेयर द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, समझ आया? 23.5 डिग्री. अब क्वेश्चन है क्यों इक्वेटर पे इतनी डाइवर्सिटी है, व्हाई? क्योंकि ट्रॉपिक्स पे, इक्वेटर पे क्लाइमेट सेम रहा, क्लाइमेट सेम रहा, बर्फ नहीं गिरी, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर, पानी बहुत मिला, पौधे बहुत उगे, तो एनिमल्स भी ज्यादा उगे. टेम्परेट रीजन्स पे क्या हुआ, टेम्परेट रीजन्स नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आइसलैंड, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, बार बार ग्लेशियर बनते रहे. आइस एज मूवी देखिए, आइस एज एक्सटिंक्शन होती रही, एक्सटिंक्शन होती रही, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ग्लेशियर बनते रहे, इसीलिए ट्रॉपिक्स में इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं बनी. ज्यादा वेरिएशंस कहां हुई बेटा, ज्यादा ग्रोथ कहां हुई, ट्रॉपिक्स पे. ग्लेशियराइजेशन टर्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज डोंट फॉरगेट इट, याद रखिएगा, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू, राइट? जब भी जो मेन एरिया है ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल पे एक जैसा टेम्परेचर रहा, सीजनल वेरिएशंस नहीं हुई, गर्मी सर्दी बारिश एक जैसा कॉन्स्टेंट रहा, क्या रहा, कॉन्स्टेंट, इसकी वजह से डाइवर्सिटी ज्यादा हुई. धूप पड़ी, डायरेक्ट रेस, देखो बेटा धूप ट्रॉपिक्स पे ऐसे पड़ती है, पोल्स पे धूप कैसे पड़ती है, स्लैंट हो जाती है ना, सनरेज हो जाती है, स्लैंट हो जाती है ना, जोसफ कम ऑन जोसफ, सनरेज स्लैंट हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच प्रोडक्टिविटी जो है वो इक्वेटर के पास ज्यादा है, इक्वेटर के पास ज्यादा है. अब आते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. अगर मैं किसी बायोटोनियन को पैदा कर देती एलेक्जेंडर हम्बोल्ट के टाइम पे, तो आप सब भी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप बता देते. बड़ा ही सिंपल रिलेशनशिप है, एलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने ऐसा कोई बड़ा खुलासा नहीं किया. एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बोला, मान लो आप सबका नीड क्लियर हो जाता है, मान लो, ठीक है, मान लो मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है, तो मान लो आप सबका नीड क्लियर हो गया, आप सब मेरे घर आए, मैंने आपको टिकट देके बुलाया, आ जाओ बच्चों पार्टी करते हैं, ठीक है, आप सबका नीड क्लियर हो गया, आप सब मेरे घर आ जाओ, पहली बार मेरे घर आओगे आप बेहोश हो जाओगे. इट इज नॉट अ वेरी फैंसी होम कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में बैंगलोर में 25 फ्लोर पे घर है, बट बिकॉज मैं बहुत ट्रैवल करती रहती हूँ, बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड्स जॉब, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी ईस्ट कभी वेस्ट, कभी सेंट्रल इंडिया जैसे अभी हूँ, तो मैं जगह जगह से बहुत कुछ कलेक्ट करती हूँ, कभी एंटीक्स खरीद लिए, हर जगह की अपना तरीका होता है रहने खाने सहने का, तो मेरा घर उस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ों से बना हुआ है, जो भी यू नो, कभी कुछ कश्मीर से खरीद लिया, कुछ कन्याकुमारी से खरीद लिया, कुछ ऊटी से खरीद लिया, कभी आसाम से कुछ खरीद लिया, कभी हिमाचल से कुछ खरीद लिया, राइट? और गार्डन तो बहुत सुंदर है, ये तो मैं बता सकती हूँ, किसी भी टीचर ऑल ओवर द कंट्री गारंटी है. मैंने कभी कभी, आपको पता है, मैंने थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे कोटा के कुछ टीचर्स के घर देखे, भाई उन्होंने तो अंबानी को फेल कर दिया है, ऐसा घर तो मैं तो इस जन्म में नहीं बना सकती, लिफ्ट विफ्ट लगा के, अरे यार कितना लूटा है बच्चों को, टू बी ऑनेस्ट, तो कुछ टीचर के पास इतना पैसा कहां से आया, ऐसे बड़े बड़े घर, भाई मेरे तो होश उड़ गए, मुझे तो लगा मैंने जिंदगी में बात कर दी, सच बोल रही यार, मैंने किसी का हाउस टूर देखा मैं बेहोश हो गई, मैंने कहा भाई क्या गजब लूटा है,
कितने सालों से लूटा है, लूट लूट के इतना बड़ा अरबोपति जैसा घर बन गया यार। टीचर का ऐसा घर मैं तो नहीं सोच सकती, मेरा तो इस जन्म में नहीं बनेगा बेटा। ऑनेस्टली ऐसा लिफ्ट में, ऐसा ऐसा अंदर होम थिएटर है और भाई ऐसा तो इंडस्ट्रियलिस्ट का घर होता है। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रही यार, मैंने देखा मेरे को तो डिप्रेशन हो गया उस दिन भाई, मैंने तो जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे तो कोटा चले जाना चाहिए था या कोई लूट कंपनी खोल लेनी चाहिए थी यार। यू शुड सी, मैं नाम नहीं ले सकती ऑब्वियसली, मैं ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकती कि मैं नाम ले लू। नॉट रोस्टेड यार, रियली भाई, घर के अंदर ऐसा बड़ा किचन, घर के अंदर ऐसा वो टीवी में नहीं दिखाते सीढ़ी, ऐसे सीढ़ी यार। लोगों ने मर्सिडीज खरीद ली यार, दो दो तीन तीन मर्सिडीज। टीचर आज से 10 साल पहले किसी टीचर के पास मर्सिडीज सुना था यार, अलग ही लेवल की लूट है भाई। नहीं आई एम नॉट जोकिंग, आई एम रियली, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड लाइक कैसे लोगों के पास दो दो तीन तीन मर्सिडीज है, ऐसा बड़ा बड़ा बंगला यार, लिफ्ट। मेरे घर में किसी के पास लिफ्ट नहीं यार, मेरे कोई बहुत दूर के रिलेटिव है पर उनके 5-6 फैक्ट्री है, उनके घर में लिफ्ट है। उनके घर जाके मुझे ऐसे गरीब वाला फीलिंग आता है, किसके घर आगे में। आई एम नॉट रोस्टिंग यार, रियली आई एम लाइक ऑनेस्टली, मेरा तो शायद मेरा एम है कि मैं छोटा सा एक प्लॉट खरीद लूं, उसमें गार्डन बना दूंगी, कोने में 2 कमरे बना दूंगी, बुढ़ापे में 2 कमरों की ज्यादा तो जरूरत नहीं होगी, मेरे घुटनों में अभी से दर्द शुरू हो चुकी है बिकॉज मेरे फैमिली प्रॉब्लम है, वीक नीज राइट, एक कमरा ऊपर एक कमरा नीचे और पूरा गार्डन बना के धूप सेका करूंगी बुढ़ापे में। ऐसा लिफ्ट विफ्ट वाला घर तो मैं आई कांट थिंक, टिल नाउ आई कांट थिंक। अगर कोई ऐसा भगवान मेहरबान हो गया तो गधा भी पहलवान हो जाता है, वो बात दूसरी है, बट टिल नाउ आई कांट इमेजिन ऐसा सीढ़ी लिफ्ट अलग। मतलब या तो वो गजबी टीचर है, पर अगर गजबी टीचर है तो भाई थोड़ा कम पैसे में पढ़ा दो, ऐसा घर तो मर्सिडीज एंड घर एंड ये वो तो आई कांट इमेजिन, टिल नाउ तो आई कांट इमेजिन। वंशी सर तक पहुंचा दो ये वीडियो, यस लाइक रियली आई कांट इमेजिन लाइक गाइस रियली। आई बीन टीचिंग फॉर 15 ईयर्स, 2 किताबें छाप ली, उनमें से एक फूटी कौड़ी नहीं ली है, नॉट इवन 1 सिंगल पेनी, एमटीजी वालों ऑन द रिकॉर्ड फॉर द रिकॉर्ड, नॉट इवन 1 सिंगल पैसा। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा या 60 पैसा, 100 पैसा। आई एम नॉट टेकन 1 पैसा ऑल्सो, बट ऐसा लिफ्ट वाला घर देख के तो मेरे होश उड़ गए भाई, उसने तो मुझे लगा ये भगवान चलो कोटा वही लिफ्ट वाले घर बन सकते हैं यार रियली आई लाइक भाई 5 साल कोटा में लगा के आती हूँ, एक लिफ्ट वाला घर और एक मर्सिडीज तो बन ही जाएगी मेरी। यस एनीवेज आई रियली लाइक रियली गाइस एनी विच वेज, तो मैं क्या कह रही थी, आप लोग मेरे घर आओगे, मेरे को घर से याद आया, मैंने कहा भाई मेरे घर आओगे कहोगे ये तो बहुत एवरेज टीचर है यार। यस तो चलिए तो एनीवेज, तो यार एक बार आप पहली बार कहीं जाओगे तो उसको ऐसे ऐसे देखोगे जैसे मैंने वो कोटे वाला घर देखा, ऐसे ऐसे करके स्क्रीन पे ही चल रहा था पर मैं ऐसे बेहोशी हो गई, मैं तो लिटरली यार घर में, मतलब उनके टीवी वो था व्हाट इज इट कॉल्ड होम थिएटर, मेरे घर में तो ये है राइट होम थिएटर, टीचर के घर में, अंबानी के घर में होता है यार। यस मतलब आई वाज लाइक ओ माय गॉड ओ माय गॉड, मेरे तो होश उड़ गए भाई। एनी विच वेज, तो व्हाट एवर आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जरा पहली बार जब कहीं जाओगे, ये क्या कहा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, देखो मैं भी कहां रहती हूँ, मैं भी बहुत सुंदर एरिया में रहती हूँ, बहुत अच्छा एरिया, मतलब मैंने नहीं देखा था इंडिया का एरिया यार, अगर कोई है मेरी क्लास में तो बताओ, आई मीन बुंदेलखंड नाउ, कितना कुछ है हमारे देश में देखने के लिए, इतना सुंदर है, इतना झांसी बबीना आपका ललितपुर तालबेट, आई डोंट नो आप लोगों ने ये नाम सुने या नहीं, ये सेंट्रल इंडिया का एक पार्ट है जहां झांसी की रानी होती थी, उसका नाम है बुंदेलखंड राइट एवरीबॉडी, बहुत सुंदर है, छोटे छोटे किले है, हल्का हल्का पहाड़ी है, बहुत सुंदर है बुंदेलखंड राइट। तो जब पहली बार मैं आई मेरे होश उड़ गए, मैं ऐसे देख रही हूँ पूरा देख रही हूँ कितना सुंदर है, आप इतना एरिया एक्सप्लोर किया बहुत कुछ मिला, और एरिया एक्सप्लोर किया और किले मिले और जीव जंतु पेड़ प्राणी सब मिला, और देखा आपने और कुछ कुछ नया मिला और देखा, पर एक बार आपने पूरा एरिया देख लिया, अब मैं थोड़ा बहुत घूम चुकी हूँ इस एरिया को राइट, ओरछा है यहाँ, खजुराहो है, और जब एक बार वो पूरा एरिया देख लेते हो, आपने देख लिया ये पूरा एरिया, घूम लिए आप, आपने अब कुछ दिखने को नहीं है, इज दैट क्लियर उत्कर्ष,
अब ये कहा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने कि आप जब एक एरिया को एक्सप्लोर करते हो, जैसे जैसे आप उस एरिया को एक्सप्लोर करते हो उसकी रिचनेस बढ़ती चली जाती है। आप पहली बार मेरे घर में आओगे मेरी आंखें फटी रह गई, आपकी आंखें देखेंगे वाओ वानी मैम का गार्डन वाओ। मैं पहली बार कोटा जाऊंगी किसी के घर में, मैं सोचूंगी हाय राम मैं तो ऐसे एकदम गरीब टीचर रह गई, असली लोग तो ये हैं, क्या पैसे छापे हैं, क्या नोट छापे हैं। यस एवरीवन राइट। तो एक बार पर हम एक बार देख लेंगे, उसके बाद अगली बार आएंगे ठीक है कुछ और दिख जाएगा, तीसरी बार आएंगे कुछ और दिख जाएगा, चौथी बार आएंगे कुछ और दिख जाएगा, उसके बाद हमें कुछ नया दिखाई नहीं देगा। समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? उसने कहा एक अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक, पर ये नोट छापने की लिमिट खत्म नहीं होती कोटा में। भाई मैंने उस टीचर का सच में यार काश मैं नाम ले सकती विदाउट द फियर ऑफ बैकलैश, वो मैं नहीं कर सकती। यस बट आई एम वेरी हैप्पी वेर एवर आई एम, आई एम वेरी कंटेंट इन माई क्यूट लिटिल होम विद माई स्मॉल स्वीट लिटिल स्टूडेंट्स इन वेरा, आई एम वेरी हैप्पी, गॉड हैज बीन वेरी काइंड, आई एम वेरी हैप्पी। क्या घर था? यस चलिए, यस मेंटी कल होगा बेटा, डन ओके दिग्विजय, कल मैं मायो का रिवीजन तरीका ही बताऊंगी बेटा इन टुमारो इवनिंग 9 PM सेशन। राइट एवरीवन, समझ गए आप लोग सब? तो कहते हैं एक लेवल तक, अप टू अ लिमिट, अप टू अ लिमिट आप नई नई चीजें देखोगे। इसके लिए इसने एक फॉर्मूला दिया, इसका फॉर्मूला क्या था कि देखो एरिया है, स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है और एरिया एक्सप्लोर कर रहा है, स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है और एरिया एक्सप्लोर कर रहा है स्पीशीज रिच, उसके बाद एरिया आपको दिख रहा है, उसके बाद क्या हो गया प्लैटू, क्योंकि अब और कुछ ढूंढने का नहीं रहा। समझ गए आप सब? समझ गए? अब और कुछ उसके बाद ये क्या हो गया, ये बढ़ता ही थोड़ी ना चला जा रहा है कि एरिया बढ़ता नहीं, उसके बाद प्लेटो हो गया, अब और कुछ दिखने का सीखने का नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसका उसने फॉर्मूला दे दिया, फॉर्मूला है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। s का मतलब स्पीशीज रिचनेस, कितनी स्पीशीज है उस एरिया में, a है एरिया, z है रिग्रेशन कोएफिशिएंट स्लोप ऑफ लाइन, राइट, सी क्या है आपका एक्स और वाई होता है वैसे वाई इंटरसेप्ट, और इन्होंने बोला कि एक लेवल तक ही बढ़ेगा, जेड लाइन पॉइंट वन टू पॉइंट टू है, एक लेवल तक ही बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा, राइट एवरीबॉडी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लैटो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? राइट, और उसने बोला देखो अगर छोटे एरिया का करोगे तो पॉइंट वन टू पॉइंट टू, बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का करोगे, अफ्रीका का करा आपने स्पीशीज रिचनेस, बताओ अफ्रीका का करा आपने स्पीशीज रिचनेस, अफ्रीका का कितना बड़ा एरिया है, तो आप मुझे बताओ क्या इसका लेवल पॉइंट सिक्स टू वन पॉइंट टू पहुंच जाएगा जेड का, अगर आप इंटायर कॉन्टिनेंट का करोगे क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा और स्पीशीज ज्यादा होंगी, बताइए राइट, क्या जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी जब आप उसके एरिया को बढ़ाओगे, बताओ जल्दी बताइए। यस, और आप लोग, फिर साइंटिस्ट ने बोला कि जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतने ज्यादा फूड वेब बनते हैं, आपको पता है जितनी ज्यादा स्पीशीज होती है उतने ज्यादा फूड के वेब बनते हैं, और जितने ज्यादा फूड के वेब बनते हैं उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी। ये प्रूव किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था डेविड टिलमैन। टिलमैन ने क्या किया, प्लॉट वाले एक्सपेरिमेंट किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने क्या किया अलग अलग प्लॉट्स बनाए, ये जगह है ना, इस जगह पे उसने अलग अलग प्लॉट बनाए, प्लॉट्स देखो काट रहा है, प्लॉट्स काट दिए उसने ऐसे, मान लो इसके अंदर पांच स्पीशीज है, इसमें तीन स्पीशीज है अलग अलग, एक स्पीशीज हो सकती है आपकी मान लीजिए काओ की, एक स्पीशीज हो सकती है रैट की, राइट, एम्फीबियंस मैमल्स रेप्टाइल्स, अलग अलग डायवर्सिटी है, इसमें सिर्फ एक सिंगल है, इसमें छह है, इसमें दो है, इसमें फिर से तीन है, इसमें पांच है, इसमें नौ है, इसमें दो है, एक है, पांच है, तीन है, ऐसे प्लॉट काट दिए,
इसमें रेप्टाइल भी है, इनवर्टिब्रेट्स भी है, वर्टिब्रेट्स भी है, इसमें पॉन्ड है, उसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी है, इसमें मैमल भी है, सब कुछ है इसकी। तो फिर जब उसने इसकी देखा तो देखा यार इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस यहां से आ रहा है, इसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, कोई इसके अंदर लॉस नहीं हो रहा, बाकी सबकी प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी कम है। तो ऐसे प्लॉट एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या प्रूव किया कि जितना ज्यादा एक कम्युनिटी में स्पीशीज रिचनेस होगी उतनी ज्यादा स्पीशीज उसमें वेरिएशन कम होगी। ऐसा नहीं कि ईयर टू ईयर बायोमास की वेरिएशन, नॉर्मल वेरिएशन नहीं, बायोमास मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी कभी भी कम नहीं होगी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अलीश इनामदार कह रही है स्टीप, देखो बेटा अगर कम स्पीशीज है तो स्लो पैसा बनेगा, वेरिएशन कम है ना स्लो पैसा बनेगा, अगर स्पीशीज ज्यादा है तो स्लोप कैसा बनेगा, स्टीप स्लोप। देखो स्टीप चढ़ना मुश्किल है, चढ़ाई इतनी ऊंची है, स्टीप स्लोप। समझ आया स्टीप स्लोप सबको? समझ आया स्टीप स्लोप? यस, एल एम टी जी लर्निंग की वेबसाइट पे मिल जाएगी, मेरी बुक फ्लिपकार्ट मिल जाएगी, अमेजोन पे मिल जाएगी, सब जगह मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? चुन्नी मुन्नी टुन्नी पुन्नी रुन्नी मुन्नी गैंगस्टर्स डन दर? समझ आ गई दोनों चीजें? हायर प्रोडक्टिविटी, तो जितनी ज्यादा स्पीशीज उतनी ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, इज इट क्लियर? और देखो बेटा यहां पे एक बड़ा हाइपोथेटिकल सा क्वेश्चन पूछा है कि अगर 5000 फ्रॉग थे वेस्टर्न घाट में, 3000 मर गए, 2000 मर रह गए, तो क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब देना मुश्किल है, बिकॉज हो सकता है इन्वायरमेंट अपने को स्टेबलाइज कर ले, बट ये भी हो सकता है कि सारा इन्वायरमेंट एक कीस्टोन स्पीशीज अगर उसमें से है तो हो सकता है सारा एनवायरनमेंट एकदम खराब भी हो जाए। राइट नाउ आपको पता है जब पैसिफिक आइलैंड्स को ह्यूमन बीइंग ने कॉलोनाइज किया वहां पे 2000 बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए, 2000 बर्ड्स सोलोमन आइलैंड्स वगैरह को जब ह्यूमन बीइंग ने कॉलोनाइज किया। राइट एवरीबॉडी, ह्यूमन बीइंग जब पहुंच गए गैलापागोस आइलैंड में, ह्यूमन बीइंग का दिमाग तो है नहीं, सिर्फ बड़े बड़े घर बना सकते हैं और मर्सिडीज चला सकते हैं, ऐसा कंज्यूमरिस्टिक माइंडसेट है ना ह्यूमन बीइंग्स का, नेचर के लिए हेल्पफुल माइंडसेट थोड़ी ना है ह्यूमन बीइंग्स का। तो आपको पता है जब गैलापागोस आइलैंड पे पहुंच गए तो बकरी लेकर आ गए वहां पे, और बकरी ने सारी घास चर ली, तो जो गैलापागोस आइलैंड का टर्टल है वो लगभग एक्सटिंक्ट हो गया। राइट एवरीबडी, तो IUCN रेड डेटा लिस्ट क्या कहती है जो इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल्स की तरफ ध्यान देती है, दैट 784 स्पीशीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स, 87 प्लांट्स लास्ट 500 इयर्स में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो लास्ट की लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट क्या क्या अभी रिसेंट एक्सटिंक्शन है? मॉरिशियस से डोडो एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि सारे मॉरिशियस में जाके छलांग मारेंगे, हंटिंग कर दी डोडो की। अफ्रीका से क्वागा एक्सटिंक्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया से थाइलोसीन एक्सटिंक्ट हो गया, रशिया से स्टेलर सी काउ एक्सटिंक्ट हो गई, और टाइगर की 3 सब स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई, बाली जो बाली एरिया बाली वाला, जावा एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया का एक और आइलैंड कैस्पियन। यस वाइज बस कह रहे मैम आई मिस दी ओल्ड यू, तो ओल्ड यू क्या करता था ऐसा बता दो, आई विल डू इट। यस एवरीबॉडी, presently 12% of the bird species, 23% of mammal species and 32% of amphibian species and 31% of gymnosperm species in the world extinct ho sakti hai. Maine aapko kya bola? Percentage is very important. Yes, percentage is very important. 12% of all birds, 23% of mammals, 32% of amphibians and 31% of gymnosperms. Is that clear everybody? एलियन स्पीशीज वो होती हैं जो बाहर से लाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आइकॉर्निया हमारे देश की नहीं है, आइकॉर्निया को बाहर से लाए गए, आपको पता है जिसकी वजह से सारे पॉन्ड्स में यूट्रोफिकेशन हो गया। आपको पता है पार्थिनियम भी हमारे देश का नहीं है, पार्थिनियम ऑस्ट्रेलिया से आया। आपको पता है लैंटना हमारे देश का नहीं है, एलियन स्पीशीज है। राइट एवरीबडी, और ये एलियन स्पीशीज बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी हम एलियन स्पीशीज पे आने वाले हैं। यहां ये देखो लैंटना, सब कुछ बता दूंगी, डोंट वरी, टेंशन मत लो।
ना बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, आपको पता है आजकल। यस, बहुत आजकल हम जिस स्टेज में रह रहे हैं इसको सिक्स्थ एक्सटिंक्शन कहते हैं, मास एक्सटिंक्शन हो रही है। अभी से पहले 5 बार एक्सटिंक्शन हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है, बट अभी वाला एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, इसीलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है, दुख भरी बात है। इट इज एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 टाइम्स फास्टर, बहुत तेज है, और हमारी वजह से, एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से ही ये हो रहा है। और इकोलॉजिस्ट ने कहा है कि अर्थ की काफी ज्यादा, हाफ से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो सकती है 100 साल में अगर हमने सॉलिड स्टेप नहीं लिए। 4 मेन फैक्टर्स हैं, 4 मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, राइट? 5 मिनट में चैप्टर खत्म होने वाला है, 5 मिनट। वो 4 मेन चीजों को हम इविल क्वार्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इविल क्वार्ट्रेट। इविल क्वार्ट मतलब 4, बुरी 4 चीजें। सबसे पहले हैबिटेट लॉस। पता है आपको, मैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में रहकर आई हूं, आपको पता है एक बायोस्फीयर रिजर्व के बीच में सड़क बना दिए। आपको पता है कि कभी भी अगर आप अभी मेरे सामने न्यूज़पेपर आर्टिकल गूगल करके देखो तो आप देखोगे एक टाइगर है, उसने 250 किलोमीटर स्विमिंग किया क्योंकि नदी भर गई थी, उसको एक जंगल से दूसरे जंगल में जाना था। एलिफेंट्स जो होते हैं, जो माइग्रेट करते हैं, साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं, जो माइग्रेट करती हैं, वो एक ही पाथ से माइग्रेट करते हैं, उनको वो ऐसे अलग अलग नहीं जा सकते, उनके पास गूगल मैप नहीं है, गूगल मैप लगा दिया इस गली से तो नहीं, इस गली से निकल दो, उनको एक ही रास्ता याद होता है। अगर उनके हैबिटेट के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, आपने फ्लाईओवर बना दिए, हाईवेज बना दिए, उनके हैबिटेट को तोड़ दिया आपने, तो फिर उनके खाने पीने की जगह नहीं रहेगी, उनके माइग्रेट करने की जगह नहीं रहेगी, और वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। आपने उनका हैबिटेट ही खत्म कर दिया, आपने जंगल नष्ट कर दिए। जंगल नष्ट कर दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? जितने भी बच्चे, मुझे पता है, अगर मुंबई से, आपको पता है आरए फॉरेस्ट को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है। एट वन टाइम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थ में 14% एरिया में रहते थे, तो सोचो कितने लाइफ इनके अंदर रहते होंगे। अभी सिर्फ 6% रह गए। हमने क्या कर दिया? हैबिटेट लॉस। हमने हैबिटेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगर हम हैबिटेट के वेस्टर्न घाट्स में, हमने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कर दिए, वेस्टर्न घाट में हमने माइनिंग शुरू कर दी, राइट? अगर हम माइन कर देंगे शुरू वहां पर, तो बेटा कहां जाएंगे प्राणी? नहीं बच सकते। जब तक आप ये चैप्टर पढ़ना खत्म करोगे, 1000 हेक्टेयर अमेज़न रेन फॉरेस्ट खत्म हो चुका है, उनको अर्थ की लंग्स कहा जाता है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ा दिया है, बेचारे एनिमल्स कहां जाएंगे? उनके ब्रीडिंग ग्राउंड को छोटा कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में जंगल कर दिया है, इतने छोटे एरिया में एनिमल नहीं रह सकते, राइट? एवरीबडी, कितने एग्जैक्टली, दैट इज द रीजन। बहुत अच्छा बोला कार्तिक, इसीलिए कितने एलिफेंट अभी आपको देखा, कई बार 10-10 एलिफेंट एक साथ ट्रेन्स के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि आपने उनके हैबिटेट को तोड़ दिया, उनको उसी रास्ते से जाने की जरूरत है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। देखो बेटा, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आज मैं बड़ी जेन्युइन सी बात करूंगी, मैं आपको पढ़ाती हूँ, ठीक है? मैं यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ, मैं वेदांतों में नौकरी करती हूँ, वेदांतों वाले मुझे सैलरी देते हैं। यस, क्यों देते हैं सैलरी? बेटा देखो, फ्री में भी मैं पढ़ा सकती हूँ, बट क्या हर किसी को थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है? मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं अपना इंटरनेट का बिल दे सकती हूँ, कभी मेरा कुछ शॉपिंग करने का मन करता है तो मैं कुछ खरीद सकती हूँ, राइट? कभी मेरा कहीं घूमने जाने का मन करता है तो मैं अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। सबको थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे 5 स्टोरी घर बनाना है जैसे कोई कोटा में रहता है, या मुझे 2 मर्सिडीज खरीदनी है जैसे कितने टीचर्स के पास है, 2 मर्सिडीज, 3 मर्सिडीज, शो ऑफ करना है, इंस्टाग्राम पे फोटो डालनी है, ये सब करना, ठीक है? I don't really want to do that. But at least basic level का तो सबको earn करने, कल को आप डॉक्टर बनोगे, आपका ये इच्छा नहीं होगी कि मैं अरबों करोड़ों पति बन जाऊं। आप दिन में, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन अपनी OPD फ्री रखोगे, पर कई बार आप बेसिक पैसे तो लोगे, किसी का ऑपरेशन करने का, किसी की सर्जरी करने का, किसी को दवाई देने का, तभी तो नीड सबको होती है। नीड है, हमें फायरवुड की नीड है, हमें नेचुरल गैस की नीड है, हमें खाने पीने की नीड है, स्टेबल लाइफ की हमें नीड है, पर ग्रीड नहीं होनी चाहिए, हमें ग्रीड नहीं होनी चाहिए। कितने लोग होते हैं आज यहाँ पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे लोग उठ के उस इंस्टीट्यूट को छोड़ के दूसरी जगह हो गए, आपने भी देखा होगा, कोई नई बात नहीं। नीड जरूरी है, ग्रीड शायद जरूरी, राइट एवरीबडी? सो जब नीड ग्रीड में बनती है, तब नेचर पे हम
हमेशा गड़बड़ करते हैं, राइट महरूप डन। और तब नेचर रिस्पॉन्ड करता है जैसे उसने कोविड 19 में 500 सालों में बहुत चीजें एक्सटिंक्ट हुई हैं। वो एक गाना सुना है, जा 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 कबूतर जा जा स्टेलर सीका हो, राइट, पैसेंजर पिजन, वो जा जा वाला, सारे एक्सटिंक्ट हो गए। कई बार हम क्या करते हैं, एक जगह पे बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना है, हम दूसरा प्राणी लेकर यहाँ पर ले आते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन करते, राइट। हमने क्या किया, नाइल पर्च करके एक फिश को इन्वेंट डाल दिया लेक विक्टोरिया में। यहाँ पे ऑलरेडी एक फिश रहती थी जिसका नाम था चिचलिड फिश। नाइल पर्च एक बहुत अग्रेसिव फिश थी, इसने पूरे चिचलिड फिश को डिस्ट्रॉय कर दिया। इज दैट क्लियर एवरीवन, राइट एवरीबॉडी, इसने पूरी चिचलिड फिश को डिस्ट्रॉय कर दिया, अंडरस्टूड। हमने जब वीट इंपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया से 70s में, उसके साथ आ गया पार्थिनियम जिसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं, पूरे जंगल डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत एलर्जन है ये। लैंटेना आ गया, आईकॉर्निया आ गया, हमने इंडिया में इलीगली एक अफ्रीका की कैटफिश डाल दी जो इंडिया के रोहू कतला को डिस्ट्रॉय कर रही है, उसका नाम है क्लैरियस गैरिपिनस। तो इनकी वजह से एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो गया। आपने देखा होगा कि कई, जैसे आपको पता है जो गॉल इंसेक्ट है ना, ब्लास्टोफिगस इंसेक्ट, वो सिर्फ हाइपेंथोडियम ऑफ फिग में ही पॉलिनेशन करता है। ऑफरिस मॉथ, आपको पता है यक्का एंड प्रोनुबा मॉथ, अगर यक्का एक्सटिंक्ट हो गया तो प्रोनुबा मॉथ भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज को एक्सटिंक्शन, म्यूचुअल है ना, आपस में साथ में रहते हैं। अगर एक एक्सटिंक्ट हो गया तो दूसरा, अगर सनबर्ड जिसकी लंबी से चोंच है, अगर एक ऐसा वाला फ्लावर, राइट, जिसके अंदर वो जाके नेक्टर को सक करता है, वो एक्सटिंक्ट हो गया तो सनबर्ड भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज को एवोल्यूशन। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आते हैं, हमें क्यों बायोडाइवर्सिटी पे कंजर्व करना चाहिए। एक होता है हम सिर्फ अपनी सोचे, हम अपनी तो सोचे, हमें वहां से क्या मिलता है, हमें गम मिलता है, रेजिन मिलता है, डाई मिलता है, फायरवुड मिलता है, फाइबर मिलता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, हमें कितना कुछ मिलता है। हम अपना थोड़ा तो सोचे कि अगर ये सब खत्म हो गया तो हम कहां जाएंगे, ये सोच के हम कंजर्वेशन करना शुरू कर दें, दिस इज नैरो यूटिलिटेरियन, राइट। हम अपना तो सोचें और हम बायो प्रोस्पेक्टिंग करें, दैट मीन्स हम रिसोर्सेस को डालें और पता लगाएं रिसोर्सेस से कि क्या क्या नई नई चीजें बन सकती हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, अलग अलग तरह की हल्दी, अदरक, अजवाइन, लौंग, इनके अलावा और क्या बन सकता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग, इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सप्लोर करें मॉलिकुलर जेनेटिक स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी कि हम और क्या निकाल सकते हैं, हम नैरो सोचें। बायो प्रोस्पेक्टिंग छुपा हुआ वर्ड है एनसीईआरटी का, हम अपने से थोड़ा ज्यादा सोचें कि भैया नेचर हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, तुम भी थोड़ा सोचो, मानी मैम तुम्हारे लिए क्या क्या कर रही है, एक लाइक तो करो, थोड़ा प्यार तो दो, एक शेयर तो करो, दो अच्छे कमेंट तो लिख के जाओ, एक हार्ट तो बना दो कमेंट्स में, राइट। हम थोड़ा बड़ा सोचे कि भैया फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन दे रहा है, क्या हम कभी इसके पीछे एक इकोनॉमिक वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का जो हमें खरीदना पड़ गया था कोविड में, हमें पता है कितना महंगा था, अगर सारी बीज नष्ट हो जाएंगी तो हम मर जाएंगे 3 साल के बाद, क्योंकि बीज पॉलिनेशन करवाती हैं, उनको हम कभी उनका कर्जा दे सकते हैं, कभी नहीं। जो आनंद हमें सुख चैन की प्राप्ति होती है, जो मुझे सुबह अपना गार्डन खोल कर आता है, क्या मैं इस पीपल के पेड़ का कभी कुछ दे सकती हूँ, उसको 300 साल पुराना लगभग पीपल का पेड़ है मेरे गार्डन में, पता नहीं किसने प्लांट किया था, मेरे जैसे तो कम से कम हजारों लोग देख चुका होगा ये पीपल का पेड़। इसके नीचे बैठ के मैं कई बार इससे बातें करती हूँ और पूछती हूँ कि मेरे जैसे कितने तेरे नीचे आके बैठ के गए, अंग्रेजों के जमाने का है, उनसे भी पुराना, यस। तो जो हम स्प्रिंग में फ्लावर्स देखते हैं, जो मधुमक्खियां देखते हैं, बटरफ्लाई देखते हैं, कभी हम उनका प्राइस टैग दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ब्रॉड है कि हम अपने बारे में छोड़कर नेचर के बारे में सोचें। और लास्ट, अगर हम कहते हैं हम होमो सेपियंस हैं, हम वाइज वन हैं, हम सबसे बड़े हैं, तो फिलोसफिकली स्पिरिचुअली हम बाकी सबका तो देखें, वासुदेव कुटुंबकम फील करें कि हमारा नहीं सारी दुनिया का है, यस, हमें रक्षा करनी है, हम प्रोटेक्टर्स हैं, हम सबका तो सोचें, तो नैरोली सोचें, ब्रॉडली सोचें, और फाइनली एथिकली सोचें, रिलीजियसली, फिलोसफिकली, स्पिरिचुअली सोचें कि धरती को छोड़कर हम कहां जाएंगे, हमें लाइट ईयर्स तक कुछ नहीं मिला है, अगर कल को धरती भस्म हो जाएगी तो सिर्फ अंबानी अडानी बाहर निकलेंगे, हमारे जैसे का क्या होगा, और कुछ कोटा के टीचर,
राहित अंबानी अडानी के बाद तुम और मैं यही बैठे रहेंगे। तो हमें यहां हमारे पास लाइट ईयर, हमारे पास, मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि भैया कोई प्लेन लेके चले जाए लाइट ईयर तक वो पैसेंजर की तरह। अंबानी जी निकलेंगे, अडानी जी निकलेंगे, मोदी जी को बिठा देंगे अपने साथ में, एक दो लोग और, कोई ना कोई, तुम और कोटा के 5 टीचर, यस 3-4 मर्सिडीज वाले और वो बड़े बड़े घरों वाले, और हम लोग, हम यही, तो हम तो बचा ले भाई, वो तो निकल जाएंगे, उनके पास तो इतने बड़े बड़े लिफ्ट वाले और होम थिएटर वाले और मर्सिडीज वाले घर हैं, हम लोग क्या करेंगे नॉर्मल जनता, ए मैंगो जनता, हम तो यही है ना। तो इसीलिए हमें बचाना चाहिए, ठीक है, यस और नो, मैं सच बता रही हूं, बहुत पैसा है भाई उन लोगों के पास, हमारे पास नहीं है इतना, यस। मैम इज सो नो, आई एम नॉट, आई एम जस्ट ऑनेस्टली टेलिंग गाइस, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल अ टीचर हैविंग दैट, आई हैड नॉट थॉट, मैंने मेरा वीडियो स्ट्रोल करते करते आ गया होम टूर, भैया मुझे तो लगा होम टूर टीचर का नहीं है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का है, कोई सारा बिरला का होम टूर हो रहा है, ध्यान से होम, मेरे को ऐसे नहीं सके पता कि पूरी लाइफ एक धोखा है। मुझे लिटरली तो धोखा हो गया मेरे साथ, तो यार ये तो यस इट इज लाइक नेक्स्ट लेवल, आई थिंक रवि भाई मैं तो किताबें लिखती रहेगी रात के 2-2 बजे तक भाई, yes, like, okay. Any which ways, right? So how do we conserve? What can you and me do together? Because हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हमें यही रहना है, तो what can we do? हम क्या कर सकते हैं? वो लोग चले जाएंगे बच्चों, अभी बता रही हूं, राइट right? आप और मैं क्या कर सकते हैं? हम लोग 2-3 चीजें कर सकते हैं। एक इन सीटू कंजर्वेशन, व्हाट इज इन सीटू कंजर्वेशन, उनको उनके नेचुरल रिसोर्सेज में ही सेव किया जाए। थोड़े दिन पहले मैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क गई, मेरे घर के पास ना एक बेतवा नेशनल पार्क है, मैं सोच रहा हूँ बेतवा नेशनल पार्क जाके आऊँ, उनको उनके नेचुरल रिसोर्सेज में प्रोटेक्ट किया जाए। हर एक जगह की एंडेमिक स्पीशीज होती है, अगर आप दाचीगाम जाओगे आपको मस्क डियर मिलेगा, काजीरंगा जाओगे आपको वन हॉर्न राइनोसेरस मिलेगा, पेरियार जाओगे आपको एलिफेंट मिलेगा, बांधवगढ़ जाओगे पेंच नेशनल पार्क जाओगे टाइगर मिलेगा, रणथंभौर जाओगे लायन मिलेगा, गिर जाओगे लायन मिलेगा, रणथंभौर जाओगे टाइगर भी मिलेगा, जिम कॉर्बेट, तो हर एक चीज की एंडेमिक स्पीशीज है ना, वही के आप उनको उनके नेचुरल रिसोर्सेज में प्रोटेक्ट कीजिए। इज इट क्लियर? 25 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट दुनिया भर में देखे गए पहले, इनमें 9 और ऐड किए गए, इनमें 9 और ऐड किए गए, इनमें से 2 इंडिया में है, एक वेस्टर्न घाट्स में, प्लीज याद रखिए, और एक ईस्टर्न हिमालयाज में, सिक्किम से लेकर आपके इंडो बर्मा रीजन तक, और एक आपका श्रीलंका वाला जो एरिया है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, इंडिया का नहीं, इंडिया में 2 है, एक वेस्टर्न घाट्स, एक ईस्टर्न हिमालयाज। यस एवरीबॉडी, दुनिया भर में मास एक्सटेंशन हो रही है, हॉटस्पॉट वाले एरियाज में इवन ज्यादा हो रही है, वेस्टर्न घाट्स में बहुत कंस्ट्रक्शन कंपनीज आ गई है, बहुत माइनिंग हो रही है, ईस्टर्न हिमालयाज में डेवलपमेंट हो रही है, पर एंडेमिक रीजंस में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, एंडेमिक रीजंस में डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इन सीटू कंजर्वेशन के लिए इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट है 90 नेशनल पार्क्स है, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है और 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। इसके अलावा सेक्रेड ग्रुप्स, आपको मैंने कल पढ़ाया था बिश्नोई कम्युनिटी, कैसे उन्होंने सलमान खान तक पे केस कर दिया, ये कई कम्युनिटीज इंडिया में है, मणिपुर में भी है, गैरो खासी जयंतिया, ये ट्राइब्स ऐसी जो जंगल की प्रोटेक्शन करती है, जंगल में बिल्कुल भी हंटिंग होने नहीं देती,
खासी और जयंतिया मेघालय में है, राजस्थान में गुड़गांव से आप थोड़ा दूर जाओगे अरावली हिल्स है, बहुत प्रोटेक्शन की है यहाँ के ट्राइबल लोगों ने, वेस्टर्न घाट के रीजन में महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, सरगुजा में है, चंदा में है, बस्तर में है, मध्य प्रदेश में है, ये सेक्रेड ग्रुप्स मेघालय में भी है, यहाँ पेड़ पौधों को बचाकर रखा जाता है। इसके अलावा हम कर सकते हैं एक्सीटो कंजर्वेशन, राइट एवरीबॉडी। एक्सीटो कंजर्वेशन क्या होता है? एक्सीटो कंजर्वेशन वो है बच्चों जो हमने नेचुरल एरिया से हटा दिया, हमने जूज में डाल दिया। देखो मुझे कभी जूज पसंद नहीं है, मैसूर जू में कभी नहीं गई, दिल्ली जू में कभी नहीं गई। जू आपकी ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए ठीक है, आपने स्पर्म डोनेशन कराना है, क्रायो प्रिजर्वेशन करना है, -196 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, जू अच्छे हैं। बट जू सिर्फ आप दिखाने के लिए, सफारीज आपको मैं कितने लोगों को देखती हूँ वो दूध पिला रहे होते हैं शेर चीता को, मैं उनको कहती हूँ भैया तो असली वाले को दूध पिला के दिखा दे, मान जाऊं मैं, राइट? मैं, मेरे पास 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए इनाम है, 2 करोड़ बोलने वाली थी, फिर मैंने कैलकुलेशन किया जल्दी से, मैंने 2 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगे, मेरा 1,00,000 रुपए इनाम जो भी, राइट, मेरे मुझसे निकल जाए 2 करोड़ रुपए इनाम, फिर मैंने कहां से लाऊंगी, कैलकुलेशन इन माई हेड, नहीं नहीं 1,00,000 रुपए इनाम जो भी बच्चा राइट असली शेर चीता को दूध पिला देगा, करेक्ट एवरीबॉडी? नहीं, आप ये सफारीज हो गए, जूज हो गए, इनके अंदर एनिमल्स को रखना इज नॉट गुड, बट फिर भी कंजर्वेशन रहना है। सबसे बेस्ट कंजर्वेशन है इन सीटू कंजर्वेशन। कौन सी कंजर्वेशन है? इन सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद एक्स सीटू कंजर्वेशन, जहां पर हमने उनको इंक्लोजर में रखा है। बट अगर आप वहां क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हो, उनके गैमेट्स को रख रहे हो, एग्स को फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, अच्छा है, राइट? गैमेट्स क्रायो प्रिजर्वेशन कर रहे हो, अच्छा है। सफारीज इज एक्स सीटू, जो टाइगर सफारी होती है उनको जंगलों में निकालकर सफारीज में रखा जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। इज दैट क्लियर? बायोडाइवर्सिटी के लिए कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। आपको पता है अर्थ समिट किया गया, अर्थ समिट हुआ था रियो डी जनेरियो में 1992 में, और सारे नेशंस को बोला गया कि आप स्टेप्स उठाओ बायोडायवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए। इसके बाद वर्ल्ड समिट हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2002 में जोहान्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में, जिसमें 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और बोला कि हम बायोडायवर्सिटी की कंजर्वेशन करेंगे। इज दैट क्लियर? इसी के साथ ये चैप्टर और कोटा की रोस्टिंग दोनों ही समाप्त होते हैं। आपके एंटरटेनमेंट और पढ़ाई के लिए मैं बेहद खुश हूं और आपकी इजाजत मांगती हूँ। आज के लिए केवल इतना ही। सुप्रभात। रात के 9 बजे हम दोबारा मिलेंगे, तब कोटा की रोस्टिंग नहीं की जाएगी, किसी भी टीचर की रोस्टिंग नहीं की जाएगी। आपके पेट में होने वाली दर्द के लिए मुझे बेहद खेद है, ऐसा मेरा कोई मानना नहीं था, पर मैंने सोचा जैसे मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, दंग की दंग रह गई, वैसे ही आपकी आंखें भी खुली की खुली और दंग की दंग रह जानी चाहिए। आपको भी दूध से दूध और पानी का पता चल जाना चाहिए, जैसे मुझे दूध से दूध और पानी का पता चला। यस एवरीबॉडी, हम मिलेंगे रात के 9 बजे, पर जाने से पहले गाइस नालायको सुनते जाओ, एकदम नालायक हो चुके हो। 4 महीने वाला प्लान है ये, मैं करने वाली हूँ 9 बजे, शाम पर 9 बजे, अभी अभी अपना प्लान बना लो आने का, अभी के अभी। यस एवरीबॉडी, ठीक है? और गाइस, इस पैसे का मेरी जेब से कोई लेना देना नहीं है, पर इससे तुम्हारा जरूर फायदा हो जाएगा। ये 999 रुपए का, 999 या 996 रुपीज का अवेलेबल है, जाके ले लो, 25 टेस्ट अवेलेबल है, पढ़ लो। 900 रुपए में ना तो मर्सिडीज आ रही है, ना लिफ्ट वाला घर बन रहा है, ठीक है? इससे तुम्हारा ही भला हो रहा है, क्योंकि 25 टेस्ट मिल रहे हैं। प्लीज गेट इट, कोड है आपका YT बायोटॉनिक। टेक केयर, सी यू एट 9 o'clock, बाय। यस, गुरबा किसी जमाने में करते थे, दे कुड बी ट्रेन टू डिलीवर लेटर्स। यस एवरीबॉडी, नो वेदांत स्टूडेंट्स नीड नॉट बाय। Straight from NDTV, see you at 9 o'clock. Bye guys. आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। बाय।